नमस्ते एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द ख्याल कम्युनिटी मेंबर्स। तो आप सबको देख के हमें बहुत ही अच्छा लगा है कि आज के सेशन में इतने सारे हमारे जो मेंबर्स आए हैं, और जैसे कामेश्वर जी कह रहे थे और आप सब लोगों को थोड़ा बहुत ऑलरेडी पता होगा सुडोकू के बारे में, और हम ये सुडोकू के पजल्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो सुडोकू एक्चुअली एक पजल है, जैसे आप क्रॉसवर्ड्स का पजल खेलते हैं जो वर्ड्स के साथ होता है, तो सुडोकू इसी तरह से एक नंबर्स का पजल है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे आप सॉल्व करने में लग जाते हो, आपको इसके कॉम्बिनेशंस, रिकॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वो लॉजिक यूज करके सॉल्व करना पड़ता है। तो सबसे पहले एक चीज होती है कि आपका जो सोचने का तरीका है वो एकदम लॉजिकल बन जाता है, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो जाते हैं। और ये सब भी छोड़ दीजिए, सबसे ज्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसमें आनंद बहुत मिलता है और टाइम भी बहुत अच्छी तरह से पास हो जाता है। और इसके बारे में मुझे नहीं लगता जो हमारे साथ आज सुडोकू हमें सिखाने के लिए शेखर जी आए हैं, उससे अच्छा सुडोकू के बारे में कोई बता नहीं सकता। तो मैं आप सबको शेखर जी से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। तो शेखर जी ख्याल कम्युनिटी के मेंबर है बहुत बहुत समय से, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, एंड ही हैज पार्टिसिपेटेड इन अ लॉट ऑफ अ कम्युनिटी एक्टिविटीज ऑल्सो। ही इज अ वेरी 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 बिग, आई वुड से अ सुपर फैन ऑफ सुडोकू, and he's been solving it I think from his childhood, and he's also a top member of a lot of sudoku organizations. He's participated in a lot of sudoku competitions and tournaments, and he also helps our khayal community member in sudoku. Kabhi kabhi logo ko sudoku solve karne ko hota nahi hai to wo shekhar ji ko call karte hai aur shekhar ji unko बहुत बार बहुत ही इजी टिप्स देते हैं सॉल्व कैसे करने के। तो आई वुड नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, आई वुड जस्ट लाइक टू इंट्रोड्यूस शेखर जी एंड थैंक हिम फॉर कमिंग हियर टुडे। थैंक यू वेरी मच शेखर जी, एंड यू जस्ट लाइक टू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट सुडोकू एंड व्हाई यू थिंक दैट हमारे मेंबर्स शुड ट्राई, एटलीस्ट अगर किसी को आता नहीं है तो कोशिश करना चाहिए, और ऑलरेडी आता है तो थोड़े और एडवांस लेवल पे सुडोकू सीखना चाहिए। Thank you, Vikas ji. Welcome members. Good evening. It is wonderful to see ki kafi sare log aaye hain to know about Sudoku. Now, Sudoku is something which I'll explain in brief to you all. I have been doing it abhi 20-25 saal se kar raha hoon main. I took a fascination for it. Isme itna ye hai ki unknowingly hamare thinking power badh jati hai. Hamare logical thinking kaise kiya jata hai, wo pata chal jata hai. I am doing sudoku not just for solving it, but I am using that logic in other day to day activities also. When you get stuck up somewhere, okay, you know there are possibilities. Now, without taking much of your time, I'll take you to the actual sudoku grid and explain to you in brief what it is. I'm sure most of you have attended the previous sessions also, but kafi naye log bhi aaye hain, so I'll just take you first to the grid. ओके नाउ आप अगर देखोगे यहाँ पे 9 कॉलम है विच आई हैव ईयरमार्क्ड फॉर इजी रेफरेंस के लिए। C1 बोलेगा तो कॉलम 1 जो यहाँ से लेके यहाँ तक, C2 C3 C4 ऐसे C9 तक है कॉलम्स। ओके सिमिलरली R1 R2 R3 R9 तक है, जो R1 इज रो 1 रो 2 रो 3। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 9 कॉलम्स है और 9 रोज है। 9 इसके अलावा आपको 9 बॉक्सेस दिखेंगे, ये एक बॉक्स 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका बेसिक रूल क्या है, नंबर्स 1 to 9। तो अभी नंबर्स 1 to 9 हमें भरना है, मतलब ये जो रो 1 है, रो 1 में यहां से लेके यहां तक 1 to 9 नंबर्स आना चाहिए, नॉट इन द सेम ऑर्डर, कौन सा भी ऑर्डर में आ सकते हैं, लेकिन 1 to 9 नंबर आना चाहिए। ये जो इन्होंने अभी दिखाया ना, जो हाईलाइट किया है अभी येलो येलो में दिख रहा है आपको, तो दिस इज यहाँ पे 1 to 9 नंबर आना चाहिए। विदाउट एनी नंबर
getting repeated. कोई भी नंबर दोबारा नहीं आना चाहिए. सिमिलरली यहाँ पे भी 1 to 9 आना चाहिए. हाँ, तो अगर यहाँ पे 1 to 9 में समझो 5 है, इधर आपको 5 दिखाई दे रहा है ना, दिस इज द नंबर विच इज ऑलरेडी गिवन, तो 5 आपको दिखाई दे रहा है, तो ये रो में 5 कहीं भी और नहीं आ सकते है, ये कॉलम में 5 दोबारा नहीं आ सकते है, और ये बॉक्स के अंदर भी 5 दोबारा नहीं आ सकते है. तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आई? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? अभी आपने कहा 5 अंक है, 5 अंक इसमें जो पीला हाईलाइट किया उसमें तो एक ही अंक है 9 का. हाँ नहीं, एक मिनट, ये जो 5 दिखाई दे रहे हैं, हाँ अब आगे हाईलाइट में 5 दिखाई दे रहे हैं, ये नंबर पहले दिया हुआ है बराबर. हाँ जी ठीक है. ये जो पीला दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, इसमें 5 नंबर इधर ऑलरेडी आ गया है, तो इधर इधर या और किधर 5 नंबर नहीं आ सकते. समझ में आए? ये जो लाइन दिख रहा है ना, पहले R1 जो दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, R1 में 1 to 9 नंबर आना चाहिए जी. 5 तो आ गया है, तो 5 दोबारा नहीं आ सकते है, 8 आ गया है, 8 दोबारा नहीं आ सकते है. हाँ, वो समझ आ गई वो तो. हाँ, ओके, अभी ये कॉलम में, अभी ये कॉलम जो हाईलाइट किया है ना, C3 जी, हाँ इसमें 5 आ गया है, तो और कहीं भी 5 नहीं आ सकते है. वो सब आगे बढ़ाओ. और ये बॉक्स, हाँ ये जो बॉक्स है ना, अभी हाईलाइट किया है ना इन्होंने, हाँ जी, हाँ इसके अंदर भी 5 या 4 दोबारा नहीं आ सकते है. ठीक, समझ गए तो. ओके, हाँ और कुछ? बस यही समझना था. सो आई जस्ट रिपीट दैट इन इंग्लिश वंस मोर. वी आर गोइंग टू डू दिस वेरी स्लोली, बहुत आराम आराम से हम ये करेंगे. तो आप सबको ये बेसिकली बेसिक्स समझने के लिए हमने आज का सेशन रखा है. तो अभी हम देखते हैं कोई और एक नंबर, जैसे मैं ये 7 नंबर आप लोगों को हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, इस 7 के बारे में हम बात करेंगे. तो ये 7 आता है रो नंबर R5 में शेखर जी. तो अगर रो नंबर R5 को मैंने हाईलाइट किया, तो ये आपको रो R5 दिख रहा है, तो इसमें 7 यहाँ पे एक बार आया है, तो राइट, दोबारा नहीं आ सकता. हाँ, तो मैं उसे, तो वो दोबारा इस R5 में नहीं आ सकता. R5 है जो पूरा येलो कलर का जो मार्क्ड आउट है. ओके, तो उसमें 7 एक ही बार आएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल हो गए 9 नंबर. ओके, यहाँ पे 4, 8, 7, 3, और 2 दिख रहे हैं, बाकी के जो नंबर होंगे 1 से 9 में ढूंढ के भरना है, आपको भरना है, बट उसमें 7 नहीं आएगा, क्योंकि 7 ऑलरेडी है यहाँ पे. अब इसी तरह मैं आप लोगों को शेखर जी ने जैसे बताया, ये कॉलम के बारे में बताऊंगा. कॉलम जो होता है ये ऊपर से नीचे होता है, जैसे आपको पता है. तो इस कॉलम में भी 7 एक ही बार यहाँ पे आया है, और ये पूरे C5 में ऊपर से लेके नीचे तक आप देख सकते हैं 7 ऑलरेडी आ चुका है बीच में, तो वो कहीं पे भी नहीं आएगा. तो 8 है, 6 है, 1 है, 2 है, बाकी के जो नंबर्स होंगे वो 1 to 9 के जो बाकी के नंबर्स रह गए हैं वो आएंगे, बट 7 नहीं होगा. और इसी तरह जैसे शेखर जी ने कहा था अभी हमें, वो जो बॉक्स होता है, ये जिस बॉक्स में 7 बिलोंग करता है, जिसको मैंने अभी हाईलाइट करके दिखाया, विच आई हाईलाइटेड फॉर यू, एंड यू ऑलरेडी सी 7 इज ऑलरेडी देयर हियर. सो अदर देन दैट यू हैव ओनली 2 अदर बॉक्सेस विच आई विल हाईलाइट इन रेड. तो वहां पे 2 नंबर हो गए, बट दे विल बी अदर देन 7. एंड एज यू कैन सी यहाँ पे 5, 3, 2, 6, 9, 8, और 7 है, यानी 1 and 4 होगा, बट 7 नहीं होगा, क्योंकि इट इज ऑलरेडी देयर हियर इन द बॉक्स. राइट, सो दिस इज द 3 पॉइंट्स दैट शेखर जी हैज एक्सप्लेन. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट दिस, बिकॉज दिस इज, आई बिलीव शेखर जी, दिस इज द बेसिक ऑफ सुडोकू. तो ये आपको आना चाहिए के किसी भी लाइन में, सॉरी रो में, या किसी भी कॉलम में वो नंबर एक ही बार आएगा, और वो बॉक्स में भी, कोई भी बॉक्स होगा उसमें वो नंबर एक ही बार आएगा. तो एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस, यू कैन रेज योर हैंड, राइसा जी विल गो हेड एंड अनम्यूट यू, एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन टू शेखर जी, हु इज हियर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट सुडोकू टुडे. राइसा, एनीबॉडी?
Yes, there's a question from Mr. Kameshwar. Namaste, Kameshwar ji, your question. Hello, मैं कह रहा हूँ ये जो आप कॉलम की बात कर रहे हैं तो ये एक से सात आठ तक नौ तक ही क्यों क्यों नहीं दस ग्यारह बारह भी हो सकता है. Three boxes in each row and column. So 3 into 3 becomes 9. So that is the permissible limit for the numbers 1 to 9 to fit in. So I believe it's just like chess. वहाँ पे कोई set rules होते हैं कि अभी अगर आप देखोगे तो pawn जो है वो एक time पे एक ही step ले पाएगा. तो अगर आप चाहते हैं pawn ऐसे कूद के चार step लेगा तो नहीं ले पाएगा. तो उसी तरह जैसे ये rules हमने चेस में बनाया है किसी गेम के लिए, तो इसी तरह यहाँ पे भी थोड़े रूल्स है जो जिसके अंदर ही हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा. करेक्ट शेखर जी? बराबर. सभी को यही बताने वाला था कि कैसे शुरुआत किया जाए. पहले तो रूल बता दिए. अब देयर इज नो रूल कि आपको यहीं से ही स्टार्ट करना है, कॉलम वन से रो वन से ही करना है. आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो. देयर इज बेसिक. सेकेंड, इट इज एडवाइजेबल कि कोई बॉक्स या कोई कॉलम या कोई रो जहाँ पे ज्यादा नंबर्स दिखते हैं वहां पे शुरू करोगे तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि आपको जो ढूंढना है नंबर्स वो कम ढूंढना है. समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल अभी आप बॉक्स नंबर 5 ले लीजिए. अब हम शुरू कर रहे हैं, बॉक्स 5 ले लीजिए. बॉक्स 5 में 9 में से कितना नंबर भर चुका है ऑलरेडी? सो आई कैन टेल यू, आउट ऑफ 9 Okay, we already seven have numbers. Seven numbers. आ चुके हैं. तो अभी box 5 में I'll just highlight ये box के बारे में बात कर रहा हूँ. ये box में अभी ये box में बाकी रह गए नंबर 1 और 2, 1 और 4. कोई बता सकते हैं कि कौन सा नंबर किधर आएगा? Yes. As per my reading, fifth box and first square number 1. Okay. Why it cannot come in second square? Because there are already those columns having one and one. Very good. In those very good. Columns. Yeah. So okay. Yeah, so Shekhar ji, just to add on to this, you know, before we actually start solving. मुझे भी अभी थोड़ा याद आया था कि जब मैं स्कूल में था और हमें पढ़ाई करनी पड़ती थी तो मैं भी ये स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं यूज करता था. I used to always start with the easiest subject and that used to be geography. So I think, you know, जैसे आपने बोला था कि जो आपको आता है पहले उसे complete कीजिए, उससे मदद से आपको थोड़ा confidence मिलता है, फिर आप जाके जो difficult subjects है जैसे गणित उसको solve कर सकते हैं. तो जैसे you know शेखर जी ने कहा sudoku maybe is a game, but if you use the strategy of sudoku also in your life, you know, it helps. You can be a winner. It helps. Right. ठीक है, तो box 5 में first इसमें number 1 आएगा. बढ़ दीजिए जरा. Yes. ये बढ़ दीजिए. हाँ, ये color निकाल दीजिए. हाँ, उधर 1 बढ़ दीजिए and make it red. Yeah. Make it red. Okay. तो अभी एक ही number बाकी है तो हमें कई ढूंढने की जरूरत नहीं है. इसी में पता चल गया कि यहाँ पे number 4 आएगा. इसको red कर. यहाँ पे नंबर 4 आएगा. बराबर. दूसरी एक बात है कि जैसे जैसे हम गेम में बढ़ते जाएंगे काफी लोगों को पता रहेगा. दे मे रेज योर हैंड कि मुझे बताना है करके. वी विल ट्राई एंड गिव चांस टू मेनी पीपल टू गिव देयर आंसर्स. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक बार आंसर किया है और किसी ने नहीं किया है तो शायद उनको चांस देंगे ताकि सभी को मौका मिले आंसर करने के लिए. ओके, अभी मैं खुला मैदान छोड़ता हूं. कौन है जो बता सकता है कौन से कॉलम कौन से रो में कौन सा नंबर आ सकता है? कोई है? हाँ मैडम का. मैं 7 नंबर ट्राई करूंगी. नाइन्थ बॉक्स में. ओके, हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आपको. हाँ, ये नाइन्थ बॉक्स. हाँ हाँ, अभी 7 आएगा R8C8 में. हाँ, R8 and C8. वेरी गुड. अच्छा, अभी आप बता सकते हैं R8C7 में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 3rd और 6th नंबर में. हाँ, 3rd में 7 है R3C9 में.
ओके सो सेवन ऑलरेडी है हाँ, दो आ गया है थर्ड में और सिक्स्थ में वेरी गुड तो बाकी बीच वाली कॉलम में आएगा तो उसमें फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट में नहीं आएगा क्योंकि एट नंबर बॉक्स में अपर में सेवन है ओके वेरी गुड अभी साथ में एक इजी हो जाएगा बाकी सेवन आएगा सेवन नंबर बॉक्स में आर नाइन और सी वन में आएगा आर नाइन एंड सी वन वहां पे आर नाइन सी वन यहाँ पे सेवन क्यू आया तो हम पहले चेक करेंगे कि यहाँ पे सेवन क्यू नहीं आ सकता ओके यहाँ पे सेवन नहीं आ सकता क्योंकि इस सी सेवन के कॉलम में ऑलरेडी सेवन एक बार है ओके अब हम चेक करेंगे कि और कहाँ पे नहीं आ सकता तो वी आर शेखर जी एलिमिनेटिंग द प्लेसेस तो यहाँ पे अभी ये जगहों में सेवन क्यू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेवन है ऊपर करेक्ट ऑल राइट तो बचा सिर्फ यहाँ पे बीच में के सेवन यहाँ पे आएगा जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया है जैसे चेलना जी ने बोला था तो शेखर जी के रूल के मुताबिक ओके सेवन यहाँ पे बीच में इसीलिए आया है क्योंकि सेवन यहाँ पे भी नहीं आ सकता करेक्ट ओके नाउ मैडम ने बताया कि आर नाइन एंड सी वन में सेवन आएगा तो यहाँ पे सेवन डाल दीजिए आर नाइन हाँ सेवन सेवन एंड मेक इट रेड हाँ यहाँ पे सेवन इसीलिए आएगा कि आर सेवन में ऑलरेडी सेवन आ चुका है आर एट में ऑलरेडी सेवन आ चुका है और ये बॉक्स बॉक्स नंबर एट एंड बॉक्स नंबर नाइन में भी सेवन आ चुका है तो सिर्फ रह गया है बॉक्स नंबर सेवन में आर नाइन सी वन थैंक यू मैडम आप ये देखिए ये बॉक्स के अंदर नाइन आना चाहिए लेकिन यहाँ पे ये जो आर टू है आर टू में ये तीनों में नाइन नहीं आ सकता है कारण नाइन ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है बराबर तो आप हाँ यहाँ पे नाइन आ चुका है इसीलिए यहाँ ये तीनों में नाइन नहीं आ सकते है अब ये निकाल दीजिए हाँ अभी रह गया नाइन कौन सा नंबर्स में एक दो तीन चार पांच ये पांच नंबर्स में नाइन आ सकते हैं अभी ये दोनों में नाइन नहीं आ सकता है क्योंकि नाइन है यहाँ पे नाइन नहीं आ सकता है क्योंकि नाइन है यहाँ पे नाइन नहीं आ सकता है क्योंकि नाइन ऑलरेडी है रह गया यही जगह तो नाइन हैज टू कम देयर आर फोर में बॉक्स फाइव पूरा भर चुका है बराबर और आर फोर में बॉक्स सिक्स में दो नंबर नहीं आ सकता है क्योंकि दो नंबर ऑलरेडी है तो वैसे देखा जाएगा तो भी दो नंबर उधर ही आना चाहिए वेरी गुड कल्पना मैडम वेरी गुड और कोई ओके सो शेखर जी अगर आप देखोगे तो कल्पना जी ने एक एक्सप्लेनेशन दिया और आपने दूसरा एक्सप्लेनेशन दिया बट दोनों एक्सप्लेनेशन से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाए राइट सो इट बेसिकली शोज दैट यू नो दे कैन बी मल्टीपल वेज टू सॉल्व Sudoku. Exactly. And I'm sure there are multiple ways to solve any problem that you have in life also. Exactly. You get various options because of that. और दूसरा याद रखिए हमेशा अब हमने पांच ना अभी चार नंबर इधर भरा है हमने ऐसा हमें करना है कि चार नंबर इधर आएगा क्या करके सोच के नहीं करेंगे चार नंबर क्यों नहीं आएगा वो भी सोचेंगे तो आपको मिल जाएगा सो इट इज नॉट कि इधर क्या आएगा इधर क्या नहीं आ सकते वो देखेगा तो भी एलिमिनेशन में आपको मिल जाएगा ये रो में यहाँ पे एट आ सकता है बराबर ये रो में सी एट देखो अभी आर थ्री सी एट यहाँ पे एट आ सकता है लेकिन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एट ऑलरेडी है नीचे बराबर ओके तो यहाँ ये इसमें तो एट नहीं आ सकता है इसमें तो एट आ ही नहीं सकता है बिकॉज एट ऑलरेडी ऊपर है बॉक्स टू में आर थ्री में एट आ नहीं सकता है क्योंकि ऊपर एट ऑलरेडी है अब रह गया बॉक्स वन में आर थ्री सी वन या सी टू में सी वन में एट नहीं आ सकता है क्योंकि वो कॉलम में ऑलरेडी एट है तो इट्स अ वेरी गुड वंडरफुल आंसर बहुत बढ़िया आंसर आपने पहले आर वन सी वन में नाइन लगाया हाँ लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि आर थ्री सी वन में नाइन क्यों नहीं आ सकता आर थ्री सी वन में नाइन क्यों नहीं आ सकता है yes. आप वो जानना चाहते हैं बराबर yes. अच्छा yes. इसका जवाब मैं अभी बताता हूं अभी आर वन
सी एट में नाइन आ सकता है? नहीं नहीं नो एग्री नो आर वन सी फोर में नाइन आ सकता है? नो नो बराबर तो आर वन सी वन या सी टू में ही आ सकता है नाइन? यस बराबर यस तो आपके हिसाब से आर टू सी वन नाइन तो रूल्ड आउट है या आर थ्री सी वन नाइन इज रूल्ड आउट? यस बराबर दैट इज द रीजन व्हाई इट हैज कम देयर क्योंकि R1 C2 में भी 9 नहीं आ सकता है क्योंकि नीचे 9 है तो एक yes. ही बाकी है समझ में आया? या बोलिए C3 C R4 C8 में आएगा एक मिनट C3 R4 C8 में 3 नहीं एक मिनट R4 C8 में 3 आएगा या ओके एक मिनट तो आर फोर सी नाइन में क्यों नहीं आएगा थ्री? आर फोर सी नाइन में क्यों नहीं आ सकते थ्री? सी नाइन क्योंकि ये कॉलम में है ऊपर ऑलरेडी आर वन में. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ओके और नेक्स्ट आएगा आर सेवन सी सेवन में. एक मिनट वो उधर जाने से पहले एक मिनट मैडम तो अभी आर फोर में नौ नंबर में आठ नंबर आ गया है तो बाकी का नंबर ऑटोमेटिक हम डाल देंगे वो रह गया नंबर नाइन. ओके नाइन डाल दीजिए रेड कर दीजिए. ओके हाँ मैडम बोलिए. या एनीबडी एल्स? हाँ मैडम somebody is नीलम जी. नेक्स्ट हम नीलम अरोरा जी के पास जाते हैं. यस ये सी टू और आर फाइव सी टू और आर फाइव में वन आएगा. हाँ मैडम सी टू आर फाइव में वन वन क्यों वन आएगा? रिपीट वन इसलिए आएगा क्योंकि ये आर फाइव वाली सारी रो में अभी वन नहीं है तो वन आर फाइव में सी सेवन या सी एट में भी आ सकते हैं. वन सी एट में नहीं आएगा सी सेवन में तो आ सकते हैं. सी सेवन में आ सकते हैं ना लेकिन इसमें भी तो आ सकता है ना जो मैं ना नहीं बोल रहा हूँ इसमें भी आ सकता है. आपको प्रूव करना है कि वहीं पर ही क्यों आएगा समझे? ठीक है हमने नोट किया अभी तक. और किसी को कुछ बोलना है? आप मैडम सोचिए कि वन उधर ही क्यों आना है तब तक हम दूसरा और किसी नंबर का किसी और से पूछते हैं. हाँ हेलो हेलो हाँ जी सिक्स्थ बॉक्स. हाँ सिक्स्थ बॉक्स सिक्स बॉक्स. हाँ सिक्स बॉक्स बोलिए. और फिफ्थ स्क्वायर दैट इज मिडिल स्क्वायर. हाँ मिडिल स्क्वायर सिक्स सिक्स नंबर सिक्स आएगा. यस सिक्स आजा क्यू नंबर सिक्स उधर आएगा. सिक्स ऑलरेडी है. वेरी सी सेवन में ऑलरेडी सिक्स है. ओके वेरी गुड एक्सप्लेनेशन सर बहुत बढ़िया. सभी को समझ में आया ना सिक्स नंबर ये दोनों में नहीं आ सकता है क्योंकि ऑलरेडी सिक्स है. ये वन निकाल दीजिए अभी फिलहाल मैडम सोच के बताएंगे हमको वन उधर ही क्यों आना है करके. ओके अभी सिक्स नंबर यहीं पे आर फाइव सी टू में भी सी थ्री में भी नहीं आ सकता है और सी सेवन में भी नहीं आ सकता है तो बाकी रह गया सी एट. वेरी गुड सर वेरी गुड एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया. अभी और कोई? आई थिंक लता मैडम और समबड़ी है ना रोहित साहब. हेलो हेलो हाँ जी अनीता जैन. हाँ जी हाँ जी हाँ बोलिए. हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि सी सी थ्री रो फाइव में सी थ्री आर फाइव. हाँ हाँ आर फाइव में फाइव आएगा. फाइव आएगा ओके वो इसलिए आएगा कि सी टू में
C3R5 हाँ जी C3R5 बताया आपने C3R5 में 5 ऑलरेडी है अच्छा नहीं नहीं सॉरी सॉरी गलत बोल गए ठीक है नो प्रॉब्लम मैडम नो प्रॉब्लम ऐसे ही सीखते हैं सब नहीं मैं तो बहुत खेलती हूँ ये गेम गड़बड़ हो गई है नाइन मुझे नाइन लहा नाइन आएगा यहाँ पर नाइन रो फाइव में सी थ्री में नाइन आएगा नाइन आएगा ओके क्यों नाइन उधर आएगा वो इसलिए आएगा कि सी फोर में नाइन है इधर नहीं आ सकता और बराबर नाइन है ना और सी टू में ये आर नाइन में नाइन है तो वो नाइन वेरी गुड बहुत बढ़िया वेरी गुड हाँ जी और कोई मरिया रिकॉस्टा जी से बात करेंगे मरिया हेलो रिकॉस्टा जी या मरिया हेलो या कैन यू हियर मी या वी कैन हियर Yes, this is column 7, row 5. Column 7, row 5, okay. Yeah, the number is 1. 1. Yes. Why that number cannot come in column 9, row 6? Why it cannot come? 4. There is a possibility. Oh, no, see, there is, either 5 or 1. So 1 is there. One will come in that column because 5 is already there in C9. So, madam, aapke hisab se R5 C7 mein 1 aana chahiye, barabar? Yeah, see, C7 mein 1 aana chahiye kyunki C9 mein 5. Nahi, madam. Madam, no, I think it's 5. 5 is the number. See, 5 is the correct answer. Yeah, I've interchanged it. It's 5 will be there. Correct. And 1 will be in C9. 1 will be in? C9 or row 6. Yeah, pe 1 aayega. Barabar? Barabar. Very good. This is the correct answer. Now, 1 minute. वन मिनट है मैं जरा हाईलाइट कर देता हूँ यही है ना रेड ओके Yes, madam. Yes, R4 column 3 should be 2. R4 C3. R4 C3, yes. वो तो already भर चुका है ना 2. हाँ, वो मैंने जब raise किया था तब भरा नहीं था. एक काम ओके आपने raise किया तो ही भरा नहीं था. We are sorry for that. But I think it's okay. No problem. Point noted. आगे बोलिए. Then R6 column 2 C2 will be 5. R6 C2 yes will be 5. Yes. Can you explain? Yes, because 5 is in the next column and in the next row upstairs and then in the second row also. So Very good. I'm so happy. बहुत मेरे को भी काफी कुछ सीखने मिल रहा है यहाँ से वेरी गुड मैडम बोलिए आगे सो आई वी आर ट्राइंग टू गिव एवरीवन एटलीस्ट वन चांस टू सॉल्व दिस बट एज यू नो सुडोकू एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है एंड यू नो वी विल ट्राई टू कीप दिस सेशन मोर ऑफन एंड यू नो वी कैन कीप ऑन सॉल्विंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट sudoku problems ye aapke hisab se shikhar ji is this an easy one or it's a difficult this one? Is the easy one ye bahut easy hai easy hai okay and easy ke baad directly hum difficult nahi jayenge beech mein medium karke hota hai wo bhi kar sakte hain theek hai anyway pehle let us first finish this I think vikas ji I have got a suggestion yes ye jo hum hai aur ek easy wala hai जो ओके करने जाएगा तो बहुत टाइम होएगा
वो हम इनको होमवर्क करके दे देंगे जरूर. वील गिव द दूसरी है पहले ये खत्म कर लेंगे. चलो हाँ जी और कोई डॉली मैडम. डॉली चेहल जी नमस्ते गुड इवनिंग. नमस्ते जी गुड इवनिंग. enjoying solving sudoku with us. Thank you जी. Thank you. I see two column R5 में one आएगा. One आएगा. Very good. ये आप ही ने बताया था कि और किसी मैडम ने बताया था one? नहीं जी मैंने मैं ही बता दी हूँ आपको. अच्छा very good. One आएगा because नीचे क्योंकि अभी वन आया ही नहीं. ऊपर से नीचे इधर वाली लाइन हमारी पूरी होगी आर फाइव. पूरी लाइन होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. आर फाइव सी थ्री में क्या आएगा? आर फाइव सी थ्री में क्या आएगा? सी थ्री में आएगा कोई बता सकते हैं? सेवन. हाँ सेवन. तो वो बॉक्स में गया. अच्छा अभी विकास जी मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी देख लीजिए हमारे पास बॉक्स नंबर फोर फाइव एंड सिक्स पूरा भर चुका है. बराबर दिख रहा है ना? बॉक्स फोर फाइव एंड सिक्स कंप्लीट हो गया है. तो अभी हमको और इजी पड़ गया बाकी सब ढूंढने में. चलो और कोई नेक्स्ट. या समबडी इज रेजिंग. हेलो लता जी. जी लता जी जी. हाँ सी सेवन आर टू वन. सी सेवन आर टू वन. वन आएगा जी. क्यों? क्योंकि सी नाइन में आर टू जो नीचे के दोनों बॉक्स है दोनों में वन है. सी सेवन की लाइन में कोई ब्लॉक में वन नहीं है. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. थैंक यू. नेक्स्ट और कोई. सुधा खन्ना जी. हाँ जी ये इसमें आएगा फाइव. कहाँ पे? आर सिक्स सी एट आर थ्री. नहीं नहीं आर थ्री सी एट सी एट. क्या फाइव आएगा? फाइव आएगा. फाइव. हाँ क्यों फाइव ऊपर नहीं आ सकते? फाइव साइड में भी नहीं आ सकता है. वेरी गुड वेरी गुड. बहुत बढ़िया. इसमें फाइव आएगा. बराबर नीचे फाइव है बीच में भी फाइव है. वेरी गुड वेरी गुड. आई रियली अप्रिशिएट आप लोग का जो अंडरस्टैंडिंग है. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. और कोई? यस. और जो अभी तक कोई? हेलो. यस सेकंड ग्रेड. या वन मिनट. योर गुड नेम मैडम? थ्री मुक्ता जी. सेकंड ग्रिड में थ्री आएगा सेंटर में. सेकंड ग्रिड में थ्री आएगा. नो सेकंड में नहीं सेकंड ग्रिड में थर्ड उसमें आर थ्री लाइन में. आर थ्री एक्चुअली अभी थ्री कैसे आ गया? तो थ्री नहीं था अभी. थ्री आएगा. यस नहीं नहीं आप बोलिए किधर आर थ्री में कौन सा कॉलम? सी फोर कौन सा? सिक्स के बाद आएगा थ्री. सी फाइव के नीचे आएगा. यहाँ यस यही पे. हाँ वही पे थ्री आएगा. और यही साथ में इधर वन आ जाएगा फर्स्ट ग्रिड में. देख ले वो थ्री इसलिए आएगा क्योंकि उसके ऊपर वाले में नहीं आ सकते हैं. एकदम ऊपर भी नहीं आ सकते. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. हाँ अभी और कोई है जो अभी तक मौका नहीं मिला है जिसको बात करने का? कोई है? Somebody there? क्या भारती जी? यस इन कॉलम टू रो एट नंबर टू. रो एट कॉलम टू. हाँ बोलिए. नंबर टू. नंबर टू आएगा वहां पे. यस नंबर टू क्यों? बिकॉज़ वी हैव ओनली नंबर सेवन एंड टू लेफ्ट इन दैट फुल कॉलम. And because 7 is there down that seventh block, so it box, so it will come on the first. So first R1 C2 may aayega 7 number, barabar? Yes. Okay, very good. Very good way of explaining. Bahut badhiya. Aur koi? You can put. Mr. Kameshwar Rao. I think this man. Main ye bol raha tha Shekhar sahab. हाँ बोलिए ऐसा. हेलो
हाँ जी हाँ शिखर साहब, मैं पूछ रहा था कि जैसे अलजेब्रा में एक इक्वेशन रहता है, हम लोग का फॉर्मूला रहता है ए माइनस बी इज इक्वल टू होल्ड स्क्वायर, ऐसा ऐसा इसमें कुछ फॉर्मूला कुछ नहीं है कि अगर हम चार को खोज रहे तो ये सिक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करे टू करे। ओके बहुत बढ़िया सवाल है। इसका जो फॉर्मूला करके नहीं है, बट इसका एक पर्टिकुलर चीज है जो ये सॉल्व होने के बाद मैं आपको बताऊंगा, एंड दैट यू कैन यूज इट एज अ फॉर्मूला फॉर व्हेन यू सॉल्व सुडोकूस हेंसफोर्थ, आगे कभी भी करोगे वो एक फॉर्मूला करके रख सकते हैं। मैं बताऊंगा, वो बताता हूँ आपको, पहले भर जाने दीजिए, मैं बताता हूँ। ओके या और कोई? हाँ यस, इधर एक मैडम को है। व्हाट इज योर नेम? R2C9 is 8. तो अब इतना बता दिया तो R1C8 भी बता दीजिए। R1C8 क्या आ सकता है? फोर नंबर फोर देखो आप ऐसे करते हमारे बॉक्स नंबर 3, 4, 5, 6 सब भर गए। अभी बोलिए आगे। मीरा घोष जी, मीरा घोष। यस मैडम। यस या बोलिए। अच्छा कॉलम वन आर सेवन वो फाइव नंबर हो सकता है? हो सकता है या हकीकत है? नहीं फाइव होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ वही पूछ रहा, हो सकता है या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। okay, क्यों क्यों होना चाहिए बताइए। इसीलिए कि ऊपर से मतलब पूरा सी कलम वन में फाइव नहीं है और इधर आर सेवन में भी ये तीन बॉक्स में भी फाइव नहीं है इसीलिए। तो अभी ये आर आर सेवन कॉलम थ्री में क्यों नहीं आ सकते? आर सेवन कॉलम थ्री में कॉलम थ्री में एक सेकंड बोलिए। कॉलम थ्री में कहाँ पे बोल रहे हैं? ये लास्ट बॉक्स में, ये जो अभी आपने फाइव भरा है ना। हाँ हाँ। फाइव के बाद फोर दिख रहा है? हाँ। फोर के बाद खाली दिख रहा है? हाँ हाँ। वहाँ पे क्यों फाइव नहीं आ सकते? क्योंकि ऊपर वो आर वन में फाइव है, सबसे ऊपर सी थ्री आर वन में फाइव है। सो दिस इज करेक्ट, वेरी गुड। और कोई? प्रिया वोरा जी से बात करेंगे अभी। नमस्ते प्रिया जी, गुड इवनिंग। नमस्ते जी, मैंने मैंने बहुत लेट सेशन ज्वाइन किया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी। नहीं नहीं बोलिए, कहां पर क्या आना चाहिए? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैं भी जब शुरुआत किया था मुझे भी कुछ पता नहीं था कि क्या करना है, क्या नंबर भरना है, लॉजिक कोई लॉजिक कोई रीजनिंग तो होना चाहिए। वैसे मैथ्स मेरा बहुत अच्छा है, आई एम गुड इन नंबर्स। हां बट आई या सिंपल लॉजिक इज आई टेल यू, सिंस यू केम लेट यू कैन फाइंड देयर आर 9 कॉलम्स C1 C2 C3 बराबर। हेलो जी जी यस, यू कैन सी दैट देयर आर 9 कॉलम्स C1 से लेके C9 तक बराबर। सेम वे देयर आर 9 रोस R1 से लेके R9 तक राइट बराबर। देन देयर आर 3 9 boxes also. जी. C1, C2, C3, R1, R2, R3 becomes one box. हाँ हाँ. वैसे 9 boxes है, बराबर? हाँ जी. So numbers 1 to 9 ऐसा भरना है। For example अभी हम number 9 लेंगे, देखो R1, C1 में 9 दिख रहा है? जी. दिख रहा है ना? तो वो रो में और कहीं भी 9 नहीं आना चाहिए। वो रो में एक भी जगह 9 नहीं दिख रहा है, बराबर? ओके सेम वे वो कॉलम में भी एक भी जगह में 9 रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके बराबर। ओके एंड थर्ड वो बॉक्स के अंदर भी 9 रिपीट नहीं होना चाहिए, उधर भी नहीं हो रहा है, बराबर? ओके सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हेन वी गेट टाइम, आई विल एक्सप्लेन टू यू, डोंट वरी, दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। ऑलराइट, सो फॉर ऑल द मेंबर्स, जितने भी हमारे मेंबर्स है, हम ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पे भी डालेंगे,
और हमने ऑलरेडी इसके पहले शेखर जी के साथ सुडोकू दो बार इसका सेशन किया है और इसके वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी है, आज शाम को हम वो पुराने वीडियोस डाल देंगे आपके लिए और ये वीडियो भी बहुत जल्दी डालेंगे, तो आप उस उन वीडियोस को देख के ही समझ जाएंगे। एंड टू सॉल्व दिस सुडोकू फॉर यू, टू प्रैक्टिस दिस सुडोकू फॉर यू, आपको पता है हम हर हफ्ते एक बार सुडोकू हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मंगलवार को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, तो आप डेफिनेटली वो वीडियोस को देख के इस क्लास को अटेंड करके ये सब सुडोकू के पजल्स बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पर्सन ऐसा भी लाइक टू टेक R8 में R8C1 में 6 आ सकता है ना? हेलो सर, R8 में R8 में C1 में 6 आ सकता है? R8C1 में 6 आ सकता है, R2C1 में भी 6 आ सकता है। R2 में 6 ऑलरेडी तो ऊपर में है, किधर है R2C1 में? R4 में 6 है। R4 में कितने? C2 में तो 6 है। नहीं नहीं नहीं, अभी R1 में आप R8 बोल रहे हैं ना? R8 का बोल रहे हैं। R8C1 में 6 आ सकता है क्या पूछ रहे हैं आप? मैं पूछ रहा हूँ R2C1 में क्यों 6 नहीं आ सकते हैं? R2C1 में 6 क्यों नहीं आ सकते हैं? वो आप ही भी आ सकते हैं ना? हाँ नहीं, तो वही मैं पूछ रहा हूँ क्यों यहीं पे जाना चाहिए? नहीं तो आ सकता है, चांस है। कहीं तो आप सोचिए जरा, सोचिए, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, सोचिए, फिर निकल दीजिए। So Bhupinder Kaur ji, we can speak to Bhupinder Kaur ji now. Yeah. Yes, thank you. R7C8, number 2. R7C8, number 2. This is easy to explain, sir. OE number by. Yeah, because both the upper squares, they have 2 in it. Exactly. Okay. Yeah. Or koi? Tara Gupta. तारा या सारा? तारा, तारा गुप्ता मैडम, हेलो, मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ, okay. मैंने बताया। हाँ जी, तारा मैडम बोलिए। हेलो, हाँ जी, C2 R1 में 7 आएगा। हाँ जी, क्यों C4 R1 में 7 क्यों नहीं आ सकते? नहीं, इसमें क्योंकि 7 पहले से है और इसमें भी 7 पहले से है। C1 में भी पहले से है 7 और C3 में भी 7 है पहले से। इस रो में इसका एक्सप्लेनेशन सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या है कि C2 में वो एक ही नंबर बाकी है, बाकी सब आ चुका है। हाँ जी, मेरा बहुत देर से कर रही हूँ, मेरा अनम्यूट ही नहीं हो पा रहा है। अच्छा, एक हाँ बोलिए। हेलो, कौन? विद्या जी, तो क्यों आना चाहिए? हेलो, R1 C4 में 2 आना चाहिए। क्या मैं जान सकता हूँ कौन बात कर रहे हैं? विद्या भंडीवाड़। विद्या भंडीवाड़, हाँ, R1 C4 में 2 आना चाहिए। ओके, बिकॉज दैट इज द ओनली नंबर बाकी है। रो होता है, फुल रो होता है। ओके ओके, और कोई? वेरी गुड, और कोई? रविंदर कौर जी। कौन? रविंदर कौर जी। हेलो जी, R2 C5। रविंदर जी बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं ही बोल रही हूँ। R2 C5 में देयर कम 5 R8 5। ओके, क्योंकि R8 C5 में 5 नहीं आ सकते। नेक्स्ट R8 C5, हाँ, there will come 9 because only 9 is left. Very good. और कोई? हाँ मैडम, जो अभी तक चांस नहीं मिला उनको जरा चांस देंगे, आपका बारी भी आएगा अब दोबारा। और कोई है? नीरज जी,
और इनफैक्ट मैं फर्स्ट टाइम ही इसको देख रहा हूँ एंड सीख रहा हूँ आपसे. आर नाइन एंड सी नाइन शुड बी फोर. आर नाइन एंड सी नाइन शुड बी फोर. फोर कैन यू जस्ट एक्सप्लेन क्यू? Yeah, because in the other line, C8 and C7, 4 is already there as well as R7. R7, very good, sir. बहुत बढ़िया. First time I'm doing pseudo bro, in fact. Okay. अभी आप इतना बता दिया है, तो ये भी बता दीजिए R7, C9 में क्या आना चाहिए? R7, C9. क्या आना चाहिए? One minute. 1, 2, 4, 5, 6 will come. Six will come. Very good. Yeah. वो एक ही नंबर बाकी है. वो एक ही नंबर बाकी. वेरी गुड. यस गुड सर. वेरी गुड अटेम्प्ट. और कोई? वर्मा 2 छे અને અહીંયા 2 છે એટલે એક જ ખાલી. હા બોલીએ કોણ છે નેક્સ્ટ? ચંદ્રેશ. હા બોલીએ. હેલો. હા બોલો. ઇસમે ક્યા હોગા? C1 R3 મે 1 આયેગા ઓર 1 મિનિટ 1 મિનિટ કિસમે? C1 R3 મે 1 આયેગા. C1 R3 મે और कोई? प्रमिला जी. हाँ जी. हाँ जी. हाँ जी बोलिए. ये हाँ जी, मैं C7 का जो पूरा नीचे तक रो है R7 R8 एंड R9, ठीक है, इसमें पहले आएगा 9 देन 8 देन सॉरी देन 3 एंड देन 8 9 3 8. हाँ ओके. यहाँ पे R7 C7 में 9 आएगा. ओके. 1 मिनट, हम सबको एक्सप्लेन करते जाएंगे. यहाँ पे 9 इसलिए आया है क्योंकि C7 R8 में 9 नहीं आ सकता है, C7 R9 में भी 9 नहीं आ सकता है, तो यहीं पे आना चाहिए. वेरी गुड. अभी नेक्स्ट. और कोई है? मैं बोलूंगी. मेरा नाम है स्मिता वातमरेकर. मैं ये बोलूंगी C1 और R2 में 2 आएगा. C1 R2 किसमें? C1 R2. हाँ यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा. 2 आएगा. और तो C3 R2 में क्या आएगा? और वो CRS. बस एक ही नंबर बाकी है. एक ही है. अभी क्या मुझे ये राइट साइड का नहीं दिख रहा है क्योंकि फ्रेम आ रही है ना वहाँ, तो वो लास्ट नंबर नहीं दिख रहा मुझे, इसलिए मैं डिसीजन नहीं ले रही हूँ. ओके. C3 R2 में 6 नंबर आएगा. 6 नंबर. ओके चलो अभी और कोई. हु इज दैट आईफोन और यू नो समबडी? हेलो हेलो. हाँ जी. हाँ जी. C7 में. C7 R8 में. हाँ लास्ट का वो वहाँ पे आ जाएगा. 8 आएगा. 8? यस. सब गलत है क्योंकि वहाँ पे बाकी नंबर है 8 और 3 बराबर. हाँ तो 8 उधर 8 आ गया तो नीचे 3 आएगा और नीचे 3 नहीं आ सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी 3 है. नीचे ही मैंने 8 बताया. आप R8 में C7 में 8 नहीं आएगा साहब. नहीं 9 वाले में 8 आएगा. हां R9 C7 में 8 आएगा. यस. हां इधर 8 आएगा और उसके ऊपर 3 आएगा. हां उसके ऊपर नहीं आएगा. उसके ऊपर 3 आएगा. 3. हां 3 आएगा. तो अब देखिए बॉक्स नंबर 1, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5, बॉक्स 6, बॉक्स 9 ये सब भर चुका है. अब रह गया है बॉक्स 2, बॉक्स 7, बॉक्स 8. चलो कौन बता रहे हैं?
परमजीत जी सी वन आर एट में सिक्स आएगा क्योंकि ओनली सिक्स इज लेफ्ट इन दिस लाइन. किसमें? सी वन आर एट फर्स्ट कॉलम में सिक्स आएगा. आर एट में सिक्स आएगा क्योंकि ओनली सिक्स इज लेफ्ट. वेरी गुड वेरी गुड. थैंक यू. बोलिए नेक्स्ट. हाजी बिंदु सी थ्री आर सेवन एट. हाँ सी थ्री आर सेवन. आर सेवन में क्या आएगा? एट नंबर. एट नंबर. आर एट में क्यों नहीं आ सकते एट? क्योंकि थ्री ऑलरेडी नीचे आर नाइन में है. हाँ क्योंकि थ्री ऑलरेडी सी थ्री आर नाइन में है इसलिए आर सेवन में एट आएगा. नहीं नहीं मैडम, आर सेवन में सी थ्री आर सेवन में एट आएगा बोलते हैं ना आप. यस मैं पूछ रहा हूँ सी थ्री आर एट में क्यों नहीं एट आ सकता है? सी थ्री आर एट में एट क्यों नहीं आ सकता? हाँ, क्यों नहीं आ सकता है वही पूछ रहा हूँ. क्योंकि वहां पे वन वन आएगा क्योंकि ऊपर और नीचे के कॉलम में वन है, जगह नहीं है. हाँ वो एक आंसर है. दूसरा दूसरा आंसर आप सी फोर देखेगा तो C4 में R7, R8, R9 तीनों में 8 नहीं आ सकता है. बराबर? Yes. और C5, R9 में भी 8 नहीं आ सकता है. तो 8 आएगी R8, C5. तो वो हिसाब से भी आपका आंसर R7, C3 में 8 आएगा वो भी सही है. बराबर. तो R7 में 8, this will be 8. अब रह गया दो बॉक्स, बॉक्स नंबर टू एंड बॉक्स नंबर फाइव. बोलिए डॉली मैडम. हेलो डॉली मैडम. हाँ जी हाँ जी. हाँ बोलिए. क्या हमारा बॉक्स नंबर टू? हाँ ऊपर से. हाँ हम नीचे का ले रहे हैं पहले आर सेवन में. हाँ आर सेवन में सी फोर में थ्री. आर सेवन सी फोर में थ्री आएगा. हाँ जी. एक ही नंबर बाकी है. बराबर. और एट आर एट में फोर. एक मिनट एक मिनट एक मिनट. हाँ और आर एट में फोर फोर आएगा. ओके हाँ अभी रे अभी और किसी को चांस है. ओके अच्छा जी. थैंक यू मैडम. थैंक यू थैंक यू. बोलिए और कोई है? लेडी बाय द नेम आईफोन. हाँ और कमेंट्स में भी डाला है कि यू आर नॉट अनम्यूटिंग मी. हाँ लेकिन आई डोंट नो योर नेम मैम. आईफोन जी चैट में यू कैन रिवर्ट मैम योर नेम इज आईफोन. अपने चैट में लिखा आई हैव रेज सो मेनी टाइम्स. मैंने आपको अनम्यूट किया है मैम. आपके पीछे लाल कलर का वॉल है. आई हैव टू मूव अहेड सिंस आई एम नॉट गेटिंग अ रिस्पांस. ओके वी कांट डू एनीथिंग. ओके और कोई? वी गो टू नीता जोशी जी. हेलो. हाँ आर टू सी फोर में मैं सेवन. आईफोन नीता जी आपको दूसरा वाला फोन से जो जोड़ा हुआ है उसको थोड़ा साइड में रख दीजिए. अभी अभी रह गया दो ही नंबर. वो तो बहुत इजी है. बोलिए कौन बताते हैं? अब रह गए आर नाइन. आर नाइन में सी फोर और सी सिक्स बाकी है. कौन बता रहे हैं? तारा गुप्ता जी. हाँ जी somebody is raising the hand. तारा जी. तारा जी हेलो. हाँ जी. हाँ जी बोलिए. मैंने बोला कि वन टू थ्री फोर फाइव. फाइव आएगा सी फोर आर नाइन. आर नाइन सी फोर में. आर नाइन सी फोर में फाइव फाइव आएगा. और हाँ और इधर आएगा वन टू थ्री फोर. एक ही नंबर बाकी है.
सिक्स बाकी है अभी. हाँ सिक्स बाकी है. ओके अच्छा अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद कि आपने ये सॉल्व किए हैं. और सच बात तो ये है कि आप में से कोई लोग ने जो तरीका बताया तो मैं भी उस सीख गया अभी कि वैसे तरीके से भी हम कर सकते हैं. वेरी गुड. अच्छा बीच में एक जेंटलमैन ने बताया पूछा था कि फॉर्मूला कुछ है क्या इसका करके. फॉर्मूला करके कुछ नहीं है. अभी मैं इधर ये जो है ना मैं इधर ले रहा हूँ समझो. फॉर एग्जाम्पल मैं खाली इसका टोटल एट द रेट ऑफ सम कितना है. वेर यू गेट दैट एट द रेट ऑफ सम करके डालेंगे या एट द टाइप करेंगे. आई विल टाइप इट. इट्स 975. नहीं 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 वो नहीं वो नहीं. इधर है ये देखो मैं एक फॉर्मूला डाल रहा हूँ. व्हाट इज दिस. दिस इज C4 ना. C4 K4. अरे नहीं इसको कुछ ये डालना चाहिए. नहीं नहीं उसको यहाँ पे रहते हैं ना एट द रेट ऑफ समुद्र की क्यों नहीं है क्या. नहीं सॉरी. हाँ नहीं है. नहीं है तो हाउ डू यू डू द टोटल. एक मिनट ऐड द टोटल. अच्छा वो होना चाहिए ना एक्चुअली. नहीं नहीं एक्सेल में व्हेन यू डू यू गेट अ टोटल ना. या हाँ तो कैसे आता है टोटल यहाँ पे नहीं आ रहा है. बट इफ यू टोटल इट ऑल्सो इफ यू जस्ट ऐड अप. No, it will add up. Yeah. But then every time you will add up. Yeah. Whereas, ek formula diya, then that formula applies everywhere. Yeah, but they will not be solving on Excel. They will be solving on paper. Achha, achha. Haan. Okay, dekh lijiye. Abhi ye jo hai, ye jo, ye hai, dikh raha hai, 9. Say, row R1 le lijiye. R1 mein jitne bhi numbers hai, ye sab number ka total aa raha hai. 45, ओके okay? आप चाहिए तो आपका इसमें भी ट्राई कर ले सकते हैं. ये जो R1 का टोटल 45, अभी यही फॉर्मूला रहेगा तो इजी है. अदरवाइज यू लेट डॉट. एक मिनट इसी में ऐसा करके देखता हूँ. इज इक्वल टू नहीं यार फॉर्मूला क्यों इसमें नहीं आया. वो है ही नहीं क्या प्रोविजन. दिस इज गूगल. दिस इज गूगल है क्या. ओके ओके तो आप यही ये है कि ये जो 45 आ गया वैसे आप हर रो का टोटल निकाल लीजिए आपको 45 ही आएगा. और हर कॉलम का टोटल ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक का हर कॉलम का वो भी 45 आएगा. ना एक ज्यादा आएगा ना एक कम आएगा. विच इज अ प्रूफ कि डबल चेक हो गया आपका कि आपने सही किया है कि नहीं किया है. आप ये ट्राई करके देख लीजिए. ठीक है ये आपको पता चल जाएगा कि अगर टोटल में कुछ डिफरेंस आ गया तो कहीं ना कहीं हमारी गलती हुई है. अदरवाइज ये तो सेम आएगा. अच्छा अभी Before we come to the other one, was easy to wala kulo nazar. Haan. Ye nikal do na, ye kyun aa raha hai. Haan. Abhi dekho, ye dusra wala hai. Ho sake to iska photo le lijiye aap. Aur solve karke, mujhe WhatsApp mein bata dijiye. This is the second one. Aap chahiye photo le lijiye iska. ले रहे हैं ये अनम्यूट एवरीबॉडी ना. राइजर बी अ कियोस. हाँ जी सबको सुनाई दे रहे हैं. जब भी आपको फुर्सत मिलेगा आप ट्राई कीजिए. हाँ सुनाई दे रहा. हाँ
और मुझे व्हाट्सएप में भेज दीजिए आपका जवाब. ओके ओके. दिस इज आल्सो सिमिलर टू जो आपने आज किया. ये आपका व्हाट्सएप नंबर मैं दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, मेरा नंबर भी दे रहा हूँ मैं. तो ये आपने सभी लोग ने फोटो ले लिया? हाँ जी. अच्छा yes. अभी मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9833 1700 004 ओके मैं और एक बार बोल रहा हूँ 9833 1700 004 प्लीज चैट में डालिए ना, प्लीज चैट में डालिए. हाँ चैट में डाल देते हैं. हाँ डाल दिए ऑलरेडी डाल दिए. शेखर थैंक यू. ओके अरे हो सके तो हार्ड वाला भी एक दे दो. हम मुझे देने में कुछ नहीं है पर मेरा मकसद क्या है कि आज हमने जो इजी वाला किया है नेक्स्ट टाइम हम जरा मीडियम वाला करेंगे. या मीडियम वाला भी दे दूं आपको, आप ट्राई करना चाहोगे? हाँ हम लोग खेलते हैं, हम लोग का अच्छा. हाँ ये देखो ये अभी जो किया है ना, डाउनलोड द ऐप. हाँ ठीक है. हाँ ये मीडियम वाला है, ये इजी वाला नहीं है, इसका भी फोटो ले लीजिए. ओके ये लो. ओके हाँ तो आपका तो एक हमने होमवर्क के तरीके एक इजी वाला दिया है, एक मीडियम वाला दिया है. अभी हार्ड भी दे दो एक. आप ट्राई कीजिए जब भी आपको समय मिलेगा. एक हार्ड भी दे दो प्लीज. सॉरी एक हार्ड वाला भी दे दो प्लीज. नहीं नहीं पहले ये कर लेंगे बाद हार्ड वाला देंगे. शेखर साहब, शेखर साहब मैं ये कह रहा था कि अभी तो हमने शुरू किया है, बिल्ली के दांत निकले ही नहीं और शेर से मुकाबला करने चले वाला हालत. अभी तो आज वो जोश है और आगे बढ़ना है हमको. वो जोश है यानी आप लोग दोनों का फोटो ले लिया ना. हम लोग जोश भी और जिन लोगों को आता है वो तो कर सकते हैं, पर हम तो आज बिगनर है बिल्कुल. सब लोग मैं भी बिगनर ही था. तो अभी आपने दोनों का फोटो ले लिया ना जी. हाँ ठीक है आप कर लीजिए. अच्छा अभी मुझे बताइए आपको आज मजा आया कि नहीं? बहुत अच्छा लगा. आप अपना ग्रुप में हम लोग का टाइम बहुत अच्छा पास हुआ. सर मैं फॉर्मूला बताना चाह रही हूँ. 45 कैसे आया? अरे एक फॉर्मूला बताना चाह रही हूँ. 9 तक का टोटल होते हैं, 9+1 मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑफ द 9. ठीक है फॉर्मूला डालता था लेकिन आप लोग तो पेपर ये रखे है ना, आप तो एक्सेल में नहीं कर रहे हो ना. हाँ इसीलिए मैंने फॉर्मूला उधर नहीं डाला. आप सिर्फ रो वन का जितना नंबर है टोटल कीजिए कितना आता है. देखो रो वन में जो है ना नंबर्स. हेलो हाँ तो वो टोटल कीजिए 45 आएगा आपको. अच्छा इसके अलावा और भी अगर आपको कभी कुछ गाइडेंस चाहिए तो बेशक मुझे फोन कीजिए आप लोग. ओके हाँ जी. हाँ जी हमने मैंने लाइफ में सुडोको का सबको सॉल्व करते सुना था, बट दिस इज इन आवर लाइफ टिल नाउ दिस इज फर्स्ट टाइम कि इंटरेस्ट काफी क्रिएट हो रहा है इसमें और बड़ा अच्छा लगा कि हम इसको सीख रहे हैं. और Really, it is very good. Thank you, madam. Thank you. Thank you. मैंने YouTube से बड़ी कोशिश की थी देख के कि मैं सॉल्व करूं. मैं कुछ हद तक कर जाती थी पर इतना नहीं था, कॉम्प्लिकेटेड लगता था, पर now I have understood. अब मैं करने की कोशिश करूंगी. Very nice. I am thankful to each one of you कि आप सब लोग इतने numbers में आए और interest दिखाए हैं. That itself is a good thing. तो और
कभी भी कुछ किसी भी इसमें मदद चाहिए रहेगा तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए या फोन कीजिए, मैं बता दूंगा आपको। या किसी और को क्वेश्चन है? भारती मैडम। यस सर, आई हैव वन सुडोकू व्हिच इज नॉट व्हिच आई कांट सॉल्व फ्रॉम वेरी लॉन्ग, कैन आई सेंड इट टू यू? प्लीज प्लीज सेंड इट टू मी। थैंक यू। आई होप आई विल बी एबल टू सॉल्व इट। भेज दीजिए, भेज दीजिए। थैंक यू। या नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, मेरे को व्हाट्सएप में भेज दीजिए। तारा गुप्ता जी, गुड। हाँ जी गुप्ता, तारा गुप्ता मैडम। हाँ जी नमस्ते। हमें खेल करके बहुत अच्छा लगा, टाइम बहुत अच्छा पास हुआ, और हमेशा पेपर में खेलते हैं लेकिन आज लाइव खेल करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं हमेशा खेलूंगी। हमें बहुत अच्छा, आपके घर में जो भी न्यूज पेपर आता है ना। हाँ जी, उसमें आजकल तो मेरे हिसाब से हर न्यूज़पेपर में सुडोकू होता है। हाँ जी, तो ट्राई कीजिए। हाँ नहीं खेलते हैं ना आप मैं और एक मैं बोलता हूँ, स्पेशली जो लोग पहली बार खेल रहे हैं या अभी रिसेंट चालू किया रहेगा, आप ये सोच के मत खेलिए कि मुझे जीतना है, आप ये सोच के खेलिए कि मुझे सीखना है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाह रही थी, अगर किसी को आता है और वो पहले बोल रहा है तो आपको बार बार उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पहले बता रहा है, उसको आ रहा है, वो बता रहा है, फिर आप उसको नहीं लेकर के दूसरे को ले लेते हैं तो वो फिर बेटर आ जाता है। नहीं नहीं नहीं, अभी आप चाहे मैं हूँ चाहे दूसरा हो, नहीं जो बता रहे। हाँ जी, आज आज एक जेंटलमैन थे, आई वॉज वेरी हैप्पी, हमने बोला भी कि वेरी गुड करके, उन्होंने जो पहले सब कुछ कम्प्लीट कर दिया था, बस अगर वो तभी बता देते तो बाकी लोग को भी ये हो जाता ना, इसीलिए हम बोले थे, हम तो मानते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो पूरा सॉल्व किया उन्होंने। Full full congratulations to that gentleman. That is really good. तो हम लोग भी यही कोशिश कर रहे हैं कि हर एक मेंबर को मौका मिलना चाहिए कि अपने अपने राय रखने के लिए, बराबर। वैसे म्यूट ऑन। डॉली जी, डॉली मैडम। हाँ जी सर, मैंने आज फर्स्ट टाइम खेला पर आई स्कोडो। मैंने अपनी बेटी को खेलते देखा था कभी कभी, पर मैंने आज फर्स्ट टाइम खेला, पर आई प्राउड ऑफ मी कि मैंने बहुत कुछ जल्दी जल्दी सॉल्व किया। मेरा मैथ बहुत अच्छा है सर। और आप सब लोग को एक रिक्वेस्ट है कि आप जो ख्याल ग्रुप या कम्युनिटी ग्रुप जो भी ग्रुप में है आप उसी में डाल दीजिए, बिकॉज विकास जी, रईजा मैडम, इनके बगैर मैं कुछ नहीं कर पाता, तो मेजर थैंक्स गोस टू दीस पीपल। ये विकास सर तो हमारे बच्चे हैं सर, ये बहुत अच्छे हैं, हमारे भाई बहन सब ख्याल टीम में इतने अच्छे हैं, हमें इतना कोऑपरेट करते हैं, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। मैं विकास जी से बहुत कुछ सीखा हूँ, स्पेशली पेशेंस क्या चीज होती है, मैं विकास जी से सीख रहा हूँ। राइसा जी, विकास जी, हिमांशु साहब, साहब, इनके बगैर मैं कुछ कर नहीं पाता, सो मेजर थैंक्स गोज टू देम। सो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग ख्याल ग्रुप या कम्युनिटी ग्रुप में डाल दीजिए, ख्याल टीम एंजॉय किया और इन्हीं के ख्याल टीम को गॉड ब्लेस यू, भगवान ने खूब तरक्की दे, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एनीबॉडी एल्स एनीथिंग? ओके म्यूट ऑन। All right. So, thank you everyone for today's session. I hope के आप सबको थोड़ा बहुत सुडोकू में इंटरेस्ट आया होगा। हमारा यही उद्देश्य है कि हम थोड़ा इंटरेस्ट आप में जगा पाए for सुडोकू, क्योंकि आपको पता है सुडोकू खेल के आपका टाइम भी पास होगा और आपके अंदर वो जो सॉल्व करने की आग है वो जो शेखर जी ने आज लगाई है, आई होप वो जलती रहे, एंड यू नो यू कीप ऑन सॉल्विंग मोर एंड मोर सुडोकूज एंड मोर एंड मोर पजल्स, बिकॉज इट इज गोइंग टू कीप यू एक्टिव एंड इट इज गोइंग टू कीप यू बिजी। सो दैट इज ऑल व्हाट वी वांटेड टू डू टुडे इन टुडे सेशन, एंड अ बिग थैंक यू गोज टू शेखर जी फॉर कमिंग हियर, बिकॉज ही लिव्स ऑन द अदर पार्ट ऑफ मुंबई एंड ही ट्रेवल्ड सो फार टू कम यू नो टू आवर ख्याल ऑफिस टुडे and do this session for all of us. So a very big thank you, Shekhar ji. Thank you. And we hope to see you again. Shekhar ji keeps on coming very often to do the Sudoku with all the Khayal community members. And his whole idea is to pass this on to everyone else, because
He enjoys this game. He has been playing it, and he also wants you to, you know, experience the entire joy of, you know, solving puzzles. So big thank you to him, and also thank you to Gloshal ji and Raisa ji for assisting us today. Thank you, everyone. Have a great evening. We'll see all of you tomorrow at 8 o'clock for yoga from 8 to 9 in the morning. Thank you very much. Have a great day. Please like, subscribe, and press the bell icon to get notified for new videos.